देखिए गाइस शिमला सिटी, देखिए गाइस ये है हनुमान जी की इतनी बड़ी प्रतिमा। तो गाइस ये है व्यू, इसके अंदर की भी एंट्री होती है बट वो हमें मिली नहीं है। खासकर हम जैसे आईटी कंसल्टेंट्स के लिए ऊपर एक लैंप दियो, प्रॉपर आप काम कर सकते हो। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अमित बड़ू ब्लॉग्स। सो अब हम कुफरी से चेकआउट करके निकल चुके हैं, अब हम जा रहे हैं शिमला की तरफ। तो शिमला में जाते समय ही वो रास्ते में ही ना जाकू टेंपल आते हैं, तो पहले हम वहाँ के दर्शन करेंगे, देन फिर हम शिमला की मेयर मार्केट में जाएंगे और अपना होटल पहले देखेंगे कौन सा किस में रहना है, और फिर वहाँ पे उसको चेकिंग करके फिर आगे अपना जो टाइम है वो स्पेंड करेंगे। ये देखिए गाइस कुफरी से शिमला जाते समय का व्यू, रोड भी अच्छी है, उनको ड्राइविंग का क्रेज है वो यहाँ पे जरूर है, अच्छा लगेगा ड्राइव करते हुए। देखिए कितनी अच्छी सड़क है, पहाड़ों में मेन ब्लाइंड कर्व्स में चलाने का ही मजा आता है ये यहाँ पे। तो गाइज ये देखिए कुफरी और शिमला के, जब शिमला में वापस जा रहे थे तो एक बीच में पॉइंट आता है ग्रीन वैली कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए काफी लोग आए हुए हैं, तो बस वो इस पर अपनी फोटोज वगैरह अगर कोई रील, तो अच्छा व्यू है। अभी थोड़ा मैं आगे से दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए ग्रीन वैली, ये है यहाँ का व्यू पूरा, अच्छा है फोटोज के लिए, काफी लोग भी आए हुए हैं यहाँ। और ये नैना आ रही है, बताओ कैसा लगा? बहुत अच्छा, मतलब काफी मेसमराइजिंग व्यू है, बहुत अच्छा। हाँ गाइस हम शिमला में एंटर कर रहे हैं, ये देखिए ऊपर आ रहा है शिमला, वेलकम टू शिमला। ये शिमला में सबसे अच्छा ये लगता है कि वो जो घर है ना पहाड़ों के ऊपर बने होते हैं वो अच्छे लगते हैं, बस मेन शिमला का सबसे ब्यूटी वाला यही चीज है। ट्रैफिक अब ज्यादा बढ़ते जा रहा है क्योंकि टूरिस्ट अब लग रहा आ रहे हैं। देखिए गाइस शिमला सिटी कितनी अच्छी लग रही है, जो नीचे से अभी पहले मैं दिखाया था पहाड़ों पे घर, ये वो वाले हैं, ये कितने अच्छा लग रहा है। मेन सिटी में अभी हम शिमला की, लोगों ने किस तरह से मैनेज किया हुआ है, घर बनाया हुआ है पहाड़ के ऊपर। तो देखिए गाइस जाकू टेंपल जी, रोड्स बड़ी यहाँ पे वो हैं, नैरो रोड्स हैं, तो बस जो गाड़ी चला रहे हैं उनको ध्यान रखना, कितनी पतली रोड है, बट हाँ व्यू अच्छा है। अगर आप बाइक लेकर आए तो फिर और ही मजा आ जाएगा, और ब्लाइंड कर्व्स हैं, मजा आ जाएगा यहाँ पे। वहां देखिए कितना छोटी छोटी रोड है, उदास हो गए, इसको पता नहीं क्या हो गया, छुप रही है बार बार। मैं उदास नहीं हूँ। तो फिर क्या अभी चुपचाप क्यों बैठी हो? चुपचाप पता नहीं कि मेरा काम आ गया। गाइस ये तो कुछ ज्यादा ही टॉप के ऊपर है, गाड़ी देखिए कितने कैसे चलानी पड़ रही है, यहाँ पे रिवर्स करके यही तो है, इधर गाड़ी चला ली ना अगर हमने। भाई ये है रोड्स, बड़ी खतरनाक रोड्स हैं, ये देखिए पूरे ब्लाइंड कर्व्स हैं, रिवर्स करके मोड़ने पड़ेगी गाड़ी, ये देखिए कितनी। हाँ कितना मजा आ रहा है, ये देखिए वाओ क्या मजा आ गया, ये यहाँ तो भाई बाइक लेकर आओ तो वही मजा आ गया। देखिए गाइस तो हम जाकू टेंपल जी की वो सीढ़ियों स्टार्ट कर दिए चढ़ना हमने, ये है जाकू टेंपल। तो यहाँ पे सीढ़ियाँ भी दी हुई हैं और आप दूसरी तरीके चल सकते हैं नॉर्मल, जिनको सीढ़ी नहीं चढ़नी है तो चढ़ाई है बिल्कुल स्टीप स्लोप है, बट आगे बताते हैं क्या एक्सपीरियंस है। कह रहे हैं यहाँ पे जो मंकीज हैं वो थोड़े से शरारती हैं, तो ध्यान रखना, छीन लेते हैं चीज़ें। तो गाइज ये है जाकू टेंपल जी, अंदर फोटोज लेना मना है, बाकी ये यहाँ का व्यू है, काफी लोग आए हुए हैं, तो जय श्री राम। गाइज देखिए एक ये टॉप पे है, पीछे व्यू देखिए कितना अच्छा है। This is actually cafe, cafe under tree. यहाँ पे आपको Indian continental, Chinese, South Indian सब मिलेगा। तो मंदिर के पास भी कैफेटेरिया ओपन किया हुआ है। Yes. बाकी ये पीछे टॉप पे देखिए बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, पूरा मैं आपको 360 में घुमा के देता हूँ। ये देखिए पीछे भी कितने टूरिस्ट आए हुए हैं, तो मतलब अच्छा है, यहाँ पे जरूर आना, ये तो मैं भी रिकमेंड करूँगा।
और अभी आगे ना हनुमान जी की बहुत बड़ी एक प्रतिमा बनाई हुई है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए गाइस, ये है हनुमान जी की इतनी बड़ी प्रतिमा, बट ध्यान से रखना यहाँ बंदर बहुत शरारत है। तो यहाँ पे काफी बंदे फोटो शूट वगैरह हो रहे हैं। ये देखिए कितनी बड़ी प्रतिमा है। तो गाइस अब हमने दर्शन कर लिए हैं और जाकर टेंपल के बाहर आ गए हैं। अब अपने अब कैब वाले भैया के पास जाएंगे और देन फिर अब देखते हैं वो हमें कहाँ ले जाते हैं। और हमें भी रूम भी बुक करना है, वो भूल ही गया था मैं, और मेरा एक काम भी इशू भी फंसा हुआ है, वो भी मुझे करना है। तो जैसा होता है वैसे मैं आपको बताता हूँ, और शिमला तो आपको घुमाऊंगा। डोंट वरी, अब हमारी गाड़ी आ रही है वो अर्टिगा। अब मैं आपको अर्टिगा की ऑफ रोडिंग दिखाता हूँ मैं। चलो थोड़ी स्टीप स्लोप थी, मैं ठीक है तब भी मुश्किल है थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। चलो मैं अर्टिगा की अब ऑफ रोडिंग आता हूँ। पीछे से गाड़ी आ रही है अभी, वो रिवर्स पे कर रहे हैं बट उनको मोड़ तो काटना पड़ेगा, तो वेट कीजिए भी दिखाता हूँ। गाइस ये हमारी अर्टिगा आ रही है और ये स्विफ्ट, दोनों की आपको ऑफ रोडिंग दिखाते हैं। मैं गाड़ी चलाने वाला होना चाहिए, कोई भी रोड पर कोई भी गाड़ी चल जाती है पर चलाने वाला होना चाहिए। देखिए अर्टिगा आएगी, अभी तो 2x2 है बट अच्छी स्टीप स्लोप है, ये देखिए आराम से निकलती है। और देखिए हमारी अर्टिगा की ऑफ रोडिंग भी मैंने आपको दिखाई दी ब्लॉग में। तो अब कैसा है, मैं चलो इधर भी आपको ऑफ रोडिंग दिखाता हूँ यहाँ पे अर्टिगा की। ये देखिए कितना है, चलो चलो आगे। और भैया आराम से चला रहे हैं, चलते चलते आ रहा हूँ। और ये देखिए भैया निकल गए। और ये रोड देखिए कितनी पतली रोड और कितनी नीचे है। और नैना हमेशा गाड़ी के अंदर ही बैठी होती है, मैं ही बस बाहर ऑफ रोडिंग करते रहता हूँ। ये देखो नैना, आया नहीं मजा। ये देखिए कितनी रोड है, कैसी रोड है, बिल्कुल ध्यान से। हम टेंपल से तो होकर आ गए, अब हम जा रहे हैं होटल में, वो हम आपको बताते हैं किस होटल में जा रहे हैं, अभी नहीं बताएंगे, जब बुक करेंगे तब बताएंगे। हमें खुद भी नहीं पता कि अभी कौन सा होटल खुलवाने वाला है, वैसे पता है 50%। हाँ, फिर भी एक बार हम पहले देखेंगे होटल का व्यू वगैरह कैसे है, क्योंकि इस बार तो हमने व्यू वाला तो लिया नहीं, लेकिन अब तो हम व्यू वाला ही लेंगे। तो गाइज अब हम जा रहे हैं राष्ट्रपति भवन। एक तो हमने वो कुफरी में दिखाया था, वो जो आपने ब्लॉग देखा होगा कुफरी वाला, और अब ये हम दिखाएंगे शिमला वाला राष्ट्रपति भवन। तो वहाँ जा रहे हैं और जाकू टेम्पल हमने देखी, शिमला समझौता भी हुआ था जी वहाँ। तो ये गाइज शिमला की सिटी और यहाँ के लोग, एक बात है पहाड़ी लोग ये जैसे होते थे, हम हैं हम भी पहाड़ के, वो भी पहाड़ के, उसमें डिफरेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता पहाड़ी लोग। शिमला का व्यू राष्ट्रपति भवन जाते समय, देख कितना अच्छा व्यू है। और यही व्यू मैं अभी आपको रूम से भी दिखाऊंगा। हाँ मैंने आपको बताया, और ये विधानसभा बिल्डिंग है। तो अभी हम राष्ट्रपति भवन जा रहे हैं, तो जैसे पहुंचते हैं आपको बताते हैं। तो राष्ट्रपति भवन जाते समय तो हम अभी आपको बता ही रहे हैं, मैं आपको एक और बात बतानी थी। मैंने वो जो होटल बुक किया वो मैंने अब रेडिसन जैज शिमला बुक किया, यहाँ भी मैंने रेडिसन पे ही प्रेफर किया है। और मुझे वाकई में ये रूम तो बहुत ही अल्टीमेट लगा कुफरी के मुकाबले। अब खाना एक बार टेस्ट करके देखेंगे, बट ठीक है कुफरी एक अलग लोकेशन है और ये अलग एक लोकेशन है रेडी है शिमला की, बट ये बिल्कुल शिमला के सेंटर में है और यहाँ से पूरा मॉल रोड वगैरह सब दिखता है। तो जब हाँ तो हार्ट ऑफ सिटी में सिचुएटेड है। तो अभी मैं यहाँ का पूरा इंटीरियर वगैरह आपको सब दिखाऊंगा। तो अभी पहले हम वहाँ पे राष्ट्रपति भवन होकर आते हैं, फिर एक मिलिट्री म्यूजियम है साइट सीन एक वो देख लेते हैं, देन भैया हमें मॉल रोड का वो यहाँ पे छोड़ देंगे या तो फिर बता देंगे। थोड़ा मॉल रोड घूम के फिर हम मैं आपको रूम का व्यू नाइट में भी बताऊंगा और मॉर्निंग में भी बताऊंगा। एंड देन बाकी प्रॉपर्टी पूरी एक्सप्लोर करेंगे और फिर दिन में फिर प्रॉपर मॉल रोड घूम के फिर हम अपना घर की तरफ रवाना करेंगे। और ये दोस्तों देखिए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ITI कॉलेज है यहाँ पे, तो उनको छुट्टी हुई है तो वहाँ से वो आ रहे हैं। बट ये है कि शिमला में सड़कें बहुत अच्छी हैं, आप वॉक कर सकते हैं बिल्कुल ऊंचे नीचे प्रॉपर तरीके से, नहीं मजा आ गया मुझे देख के। और ये हम पहुंच गए अपने इंस्टीट्यूट पहुंच गए अपने। अच्छा अभी हम इंडिया वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी। अच्छा पहले अभी इसमें जाएंगे ना, फिर राष्ट्रपति भवन जाते हैं ना। यही राष्ट्रपति भवन। अच्छा यही राष्ट्रपति भवन है, ओके। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी में, इसी को कहते हैं राष्ट्रपति भवन भी, यही इसका कुछ फीस रहेगा। एंट्री तो ले ली है, अभी गाड़ी लेकर एंट्री अगर करनी है तो उन्होंने हमसे 20 रुपए लिए हैं जिसमें आप इन एंड आउट करेंगे। अभी कह रहे हैं बाहर का पार्क देखिए, जो म्यूजियम है ना इसके अंदर वो पैक है, पता नहीं अब ये बंद है या फिर फुल हो गया होगा। और जो भी हम आउटसाइड की जितना भी हम करेंगे उसके वो कह रहे हैं 30 रुपीज चार्जेस हैं पर पर्सन है, वो एक बार देख लेते हैं वहाँ जाके। तो जैसा होता है वैसे हम आपको बताते हैं। अभी हम आपका यहाँ थोड़ा सा ट्रैक दिखाते हैं, अच्छा है ट्रैक यहाँ पे भी मतलब वॉक करने के लिए। देखिए यहाँ का ट्रैक है,
बट फिर भी मैं यही कहूंगा कि आप गाड़ी पे ही आइए, अगर अपनी है नहीं तो गाड़ी कर लीजिए, अगर आपको सही तरह घूमना है, नहीं तो पैदल ही घूम के कितना घूम लोगे आप, फिर तो आपको कम से कम एक से डेढ़ हफ्ते के लिए आना पड़ेगा अगर आपको सब कुछ वॉक करके ढूंढना है। यहाँ पहुंच गए तो एक बार पूछ लेते हैं कि ऐसे ना हो कि वो प्रोटोकॉल हो कि हाँ भाई फोटो नहीं ले सकते हैं, तो हम पहुंच चुके हैं, जैसा होता है वैसे अपडेट आपको करते हैं। तो गाइस हमें 30 रुपीज़ वाली टिकट ले ली है जिसमें हम आउटर घूमेंगे, अभी मैं आपको व्यू दिखाऊंगा आउटर का, क्योंकि 4:30 से पहले आपको आना पड़ता है। तो अभी जो अंदर म्यूजियम है ना वो पैक हो गया है, मीन्स कि टिकट्स बिक चुकी हैं, वो 100 रुपीज़ पर पर्सन है, तो आपको टाइमिंग से आना पड़ेगा। मेरा तो कोई काम फंस गया था इसलिए तो मैं लेट हो गया, तो मैं अभी आउटर आपको व्यू दिखाता हूँ। अब म्यूजियम में देखिए, म्यूजियम तो वही जाएगा जिसको नॉलेज गेन करनी है, मुझे इतना ऐसा इंटरेस्ट है भी नहीं म्यूजियम देखने का, तो अभी बाकी मैं घूमता हूँ और आपको बताता हूँ जो भी अपडेट होता है। तो गाइस ये है व्यू, इसके अंदर की भी एंट्री होती है बट वो हमें मिली नहीं है, तो ये है बाहर का व्यू। लॉन पे आपको चलना नहीं है, वो लिखा हुआ है, ये पेडिस्ट्रियन जो बना हुआ है इसी पे चलेंगे आप। और ये है नैना, ब्लॉगिंग करने की कोशिश कर रही है बट मेरे से कम्पीट नहीं कर पा रही है। हाँ। तो ये देखिए, क्योंकि ब्लॉगिंग में क्या बोलना है, क्या प्रेजेंटेशन देनी है, वो हर किसी के बस का काम नहीं है। क्योंकि ब्लॉगिंग पता क्या है, ब्लॉगिंग में होता है कि जो बातूनी बंदा होता है ना वो ही, तो मैं अभी बातूनी दिख रहा हूँ, बहुत बातूनी, ट्रस्ट मी गाइस। तो ये व्यू है देखिए कितना अच्छा लग रहा है, तो अपने इंडिया में एक्सप्लोर करना जैसे लग रहा है कहीं बाहर आए हुए, मुझे तो बहुत वैसे ही लग रहा है। तो ये है पेडिस्ट्रियन और ये है पार्क, ये घूमना है हमने बस, और वो नैना आ रही है, पूरा एक राउंड लगाएंगे। तो ये है, चल रहे हैं, जहाँ पे कुछ लोग आते हैं ना तो मैं उनकी प्राइवेसी वगैरह को डिस्टर्ब नहीं करना होता है, तो इसलिए मैं वो बीच में वीडियो कट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे मेन मोटिव है खुद भी घूमना और आपको भी घुमाना है, तो इसलिए बाकी जित जहाँ कोई बैठा है वो फिर मैं एडिट करना पड़ता है मुझे। और ये चलो ना, क्या हो गया, अच्छा स्लोमो बनाना, ठीक है। बाकी ये है, अगर आप इसमें चलना चाहो, प्लांट्स और अच्छा ये बेचने के लिए भी हैं यहाँ पे, तो ये नीचे है बट नीचे मुझे लगता नहीं कोई जाने की ज़रूरत है, तब भी थोड़ा देख लेते हैं, नीचे हट्स वगैरह बने हुए हैं, ये मुझे लगता है कोई घर है किसी का, जो कुछ होगा कैफेटेरिया, यहाँ तो नहीं हम जाएंगे, तो ये वापस करके ना वहाँ चलते हैं अब हम, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पे ये व्यूज़ हैं, यहाँ तक ये वहाँ बीच में पता नहीं क्या, बट वहाँ पे जाने का मुझे लगता कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा मंकी भी हैं तो हम दूर जाते हैं, नहीं तो मंकी हमारे पीछे आ जाएंगे, तो वापस जाते हैं और वहाँ जाके कुछ और अगर आपको मतलब कुछ डिफरेंट दिखता है मुझे तो मैं इसमें आपको प्लीज शो करूँगा। तो गाइस ये है सनसेट व्यू, अगर आपको थोड़ा लेट इवनिंग तक आप रुकोगे ना तो यहाँ पे एक सनसेट होते हुए आपको दिखेगा। बाकी ये है पीछे का व्यू जो भी मैंने अभी आपको दिखाया, तो बस यही है यहाँ पे देखने वाला, और तो मुझे कुछ ऐसा लग नहीं रहा है। तो अब देखते हैं अब अगला साइड व्यू कौन सा है वो फिर मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज वहाँ से तो हम आ गए, अब हम जा रहे हैं मिलिट्री के म्यूजियम में। अच्छा तो वहाँ से फिर हम माल रोड जाएंगे, माल रोड में थोड़ा सा गेड़ी शेड़ी मार के फिर हम होटल में जाएंगे, होटल में थोड़ा रेस्ट करके जो भी मेरे पेंडिंग पॉइंट्स हैं उनको कंप्लीट करके फिर मैं फिर से हम माल रोड में बाय वॉक जाएंगे। तो फिर हम आपको रात का भी और दोनों दिन का दोनों व्यू दिखा देंगे, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको दिन में घूमना है कि रात में घूमना है, फिर वो आपके हाथ में। तो गाइस ये देखिए अब थोड़ा सा सूरज देवता जी अपने सेट होने पे लगे हैं, और देखिए क्या मौसम और क्या नजारा बन रहा है। और अभी हम जा रहे हैं आर्मी के, लेकिन ये रोड है, मैं तो कहूंगा भाई बाइक लेकर आओ और मजा आ जाए इसमें, तो बाइक भी कौन सी, वो कोई भी हो। हाँ और अगर साइकिल लाना साइकिल ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, पर इस रोड में चलाओ जो एक बार, ऐसी रोड में मजा आता है। देखिए क्या व्यू है, मजा आ गया ये तो। एज यूजुअल मेरे काम की वजह से मैं ये आर्मी वाला नहीं देख पाया हूँ, तो ये कह रहे थे अंदर ये सुबह 10 से 4 बजे तक ये रहता है, सुबह 10 बजे ओपन होता है, 4 बजे शाम को क्लोज हो जाता है। और यहाँ पे आर्मी वाले अपने वो म्यूजियम में वो प्रेजेंटेशंस हैं, मतलब कि उनकी गन्स होगी, आर्म्स, एमिनेशन जो भी उनके पास होंगे, जब पुरानी टेक्नोलॉजी के या विंटेज कह सकते हो या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी का, वो तो नई टेक्नोलॉजी तो ऑब्वियसली बात है बताएंगे नहीं, तो ये है। और अंदर वो कह रहे थे वीडियो भी बना सकते हैं, पता नहीं जब जाऊंगा नेक्स्ट टाइम तो तभी, बट अगर आप आते तो एक बार जरूर देखना कि अब गन्स वगैरह अगर जिसको शौक है, तो ये तो हम मिस कर गए। तो बाकी अब हम वापस जा रहे हैं, अभी मॉल रोड थोड़ा दिखा देते हैं, तो बस ये क्लोज हो जाएगा,
बाकी फिर रात को हम खुद वॉक में आपको पूरा बताएंगे। एक तो रेडिसन की प्रॉपर्टी का रिव्यू बताएंगे, क्या है क्या क्या इसमें चीजें हैं, एंड देन मॉल रोड हो गया, द रिज हो गया, एंड लक्कड़ बाजार, और एक दो दुकानें नैना नेताई फेमस है, वो मॉर्निंग में अगर गया तो फिर मैं वो आपको ही बता दूंगा। ये शिमला सिटी में अब इस शाम को ट्रैफिक शुरू हो गया। गाइस हम अपने होटल से ना माल रोड की तरफ चल पड़े हैं, बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, अभी मैं आपको तो दिखाता हूँ चढ़ाई माल रोड की। ये देखिए माल रोड की चढ़ाई काफ़ी हैपनिंग से लग रहा है, माल रोड देखते हैं वो कैसा है। और ये चढ़ाई चढ़ते हुए दुकानें आती हैं, तो उसमें से आप कुछ अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो गाइस ये देखिए माल रोड का व्यू, अभी हम चल रहे हैं बट यही रास्ता है माल रोड का। देखिए कितना हैपनिंग व्यू है, ये चीज़ें देखिए। तो शिमला का मेन यही है जो देखने वाला है, देखिए पूरा बाज़ार लगा हुआ है। हिमाचली प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं यहाँ पे, जो इनकी स्पेशलिटी है। काफ़ी लोग आए हुए हैं, अभी भी 6-7 ही बज रहे होंगे। ये देखिए देखिएगा इस यहाँ पे भी काफ़ी सामान वगैरह लगा हुआ है, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट के अकॉर्डिंग सामान रखा होता है। ज़्यादातर यहाँ पे वार्मर्स हैं पर अच्छे अच्छे हैं, वो भी बताएंगे, और कुछ पसंद आएगा तो लेंगे भी। तो गाइस देखिए हम माल रोड आ गए हैं, ये माल रोड का व्यू है, ये पीछे देखिए चर्च हो गया। अभी मैं आपको दूसरी तरफ से भी दिखाऊंगा, बट अभी मैं अपना दिखा रहा हूँ ये है। अब दिन को भी आएंगे, ये तो रात का व्यू है, कल दिन को भी दिखाएंगे। ये देखिए हमारे होटल से तो 1 किलोमीटर दूरी था, अच्छी मार्केट भी लगी हुई है, अभी काफ़ी लोग हैं। और ये अपना चर्च आ गया, और यहाँ पे फादर ऑफ नेशन उनका स्टैचू बना हुआ है। तो बस ये है माल रोड, अब आगे देखते हैं द रिच कहाँ पे, वो पूछते हैं इसलिए। तो दिस इज द माल रोड, कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा है, बस क्राउडेड प्लेस है, क्राउडेड प्लेस किसको अच्छा नहीं लगेगा। हाँ। अब कल दिन में भी देख लेंगे ना कैसा व्यू है, वो भी बताएंगे। कल दिन में अलग से इनको एक्सप्लोर करवाएंगे, अभी रात का व्यू है। हाँ, हर एक अपना अपना मजा है। हाँ, तो बने रहिए, अभी देखते हैं और क्या एक्सप्लोर करते हैं। ये था शिमला का माल रोड। ये गाइस देखिए माल रोड का व्यू, नीचे पूरी मार्केट है। नीचे से आए ना हम ऊपर? हाँ, यहाँ से तो आए हम। हाँ, साइड हो जाओ। यहाँ पे देखिए मैकडी भी है और बरिस्ता भी है। अभी और आगे देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और वैसे वैसे आपको बताते हैं। चलो पहले हम मैकडी कुछ खा लेते हैं, क्योंकि हमने दोपहर का कुछ खाया भी नहीं है। तो गाइस अब हम रिज की तरफ जा रहे हैं, ये रिज रोड है, ये देखिए। और नीचे मार्केट भी है, वो कहते हैं रिज में क्लब्स वगैरह होते हैं, वो देखते हैं एक बार जाके। मैं ऊपर से नीचे आ गया था बट फिर से मैं मॉल रोड से ही वहाँ पे है रिच उस टाइम, तो अभी देखते हैं फिर बताता हूँ। गाइस रिच स्ट्रीट देखिए कितनी अच्छी बनी हुई है, अब ये देखते हैं कि अगर अंदर जा सकते हैं तो अंदर जाएंगे। ये देखिए कितना प्यारा है, ये देखिए दरिच की स्ट्रीट के वो रास्ते में आता है, देखूँ है क्या ये। अच्छा, ये मेयर का वो है, आई थिंक ऑफिस है या कुछ है, ठीक है। और अब यहाँ पे आपको अगर क्लबिंग वगैरह करनी है तो आप दरिच स्ट्रीट में जा सकते हैं, यहाँ पे बाग्स हैं, बार वगैरह हैं, जो भी आपका मन है वो आप कर सकते हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, सब कुछ है। तो गाइस हमने रिच भी देख लिया, ठीक है, मतलब कि बस एक्सप्लोर करने वाली बात है। बाकी ये देखिए पूरा शिमला तो दिख रहा है पीछे से, आप देख रहे होंगे, अभी मैं आपको रूम से भी अपना व्यू बताऊंगा। तो ये थी पूरी कहानी माल रोड दी रिच की, और लक्कड़ मंडी तो मैंने दिखाई दी आपको जिसमें मैं पैदल चल रहा था। तो ये है, बाकी मैं अब मॉर्निंग में आपको इसका एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, और मॉर्निंग में फिर हम अपना यही माल रोड वगैरह में घूमते रहेंगे। फिर 5 बजे वाली हमारा बस है, वहाँ से बैठेंगे और अपने जम्मू जय माता दी पहुँच जाएंगे। तो बने रही ब्लॉग में, अभी आगे दिखाता हूँ और क्या हो सकता है। गाइस ये मैंने ना YouTube में देखा था, कहते हैं यहाँ की सिड्डू, अभी देखें ये है क्या चीज़, इसमें फीलिंग क्या क्या है वो एक बार देखता हूँ। अच्छा, इसमें जो फीलिंग है ना, प्याज आलू और पता नहीं खा के चलेगा पता, देन उसके साथ ये चटनी देते हैं और ये जो वाइट चटनी है, अभी टेस्ट करके बताते हैं। करना एक बार टेस्ट करो, तो बताओ इसके अंदर है क्या क्या। में वही अना, वो एक तो उन्होंने चटनी दी हुई है हरी जी, नहीं तीखी वाली चटनी, और एक वो नारी की चटनी दी हुई है, और बीच में ना
कुलचे कितना स्टफ किया हुआ है उसको यहाँ पे सिड्डू कहते हैं। अच्छी चीज है, खानी चाहिए, ट्राई करनी चाहिए, एक बार तो करनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे सिड्डू का मैंने बताया, ठीक लगा टेस्ट, मुझे इतना अच्छा लगा नहीं क्योंकि हमने कभी खाया भी नहीं था। बाकी देखिए आप यहाँ पे पूरा हिमाचली की जो स्पेशल चीजें हैं सब लगी हुई हैं, बीच में मोमोज भी हैं, बट आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है मोमोज असम की है। तो अभी यहाँ पे हम जलेबी खा के देखते हैं और बाकी ठीक है, अच्छा है, क्राउड है, वैरायटी ऑफ फूड भी है, फ्रूट्स खाना चाहो फ्रूट्स भी हैं, सब कुछ है। तो थोड़ा मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ, ये देखिए यहाँ का ओवरव्यू, और ये इंदिरा गांधी जी की बनाई हुई है। तो ये टेंट में सबने अपने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं। हाँ तो गाइज अब ये मेरा दूसरा शिमला का फाइनल जो ब्लॉग है जो मैं एंड कर रहा हूँ अपने रूम के साथ। तो रेडी सर में हमने रूम बुक किया हुआ है, तो ये हमारे रूम का इंटीरियर है, ये हमें वार्डरोब दिया हुआ है जहाँ पे हम अपना सामान रख सकते हैं, फिर नीचे लॉकर दिया हुआ है, देन उसके बाद एक्स्ट्रा कुशंस भी दिए हुए हैं हमें और आयरन भी दी हुई है। देन अगर आपके पास कुछ कपड़े आयरन करना चाहते हैं तो उसके लिए नहीं, वो ये टेबल भी दिया, आयरन टेबल, और ये अपना शू रैक आ गया। देन बाकी जो भी आप कुछ भी सामान रखना आप रख सकते हैं, काफ़ी स्पेशियस है। सबसे बड़ी बात है मुझे इसका एम्बियंस बहुत अच्छा लगा। देन ये मेरा ये मिरर आ गया हमारा, देन उसके बाद देखिए हमारा वॉशरूम में भी अच्छी मतलब की रॉयल फीलिंग दी हुई है, जो इसकी एक्सेसरीज है उसमें उन्होंने गोल्डन एंड मतलब कॉपर की फीलिंग दी है, तो जिससे बहुत अच्छा लग रहा है देखिए प्रॉपर। और ये अब एक फेस क्लोज मिरर, अगर आपको बिल्कुल क्लोज देखना है तो यूज करें, नहीं तो ये मिरर देखिए कितनी अच्छी रॉयल फीलिंग आ रही है और स्पेशियस है। और आप देखिए रूम में उन्होंने वैसा दिया हुआ जैसे बात है, देन आप बाहर रूम का व्यू भी देख सकते हैं। तो यहाँ तक ये हो गया, और हर चीज लाइटिंग दी हुई है उन्होंने। फिर देन ये हमारा ये बॉटल्स दी है रेडिसन में, इसमें अपनी ब्रांडिंग की हुई है। देन उसके बाद ये हमें कॉम्प्लीमेंट्री में वो दी हुए टी बैग्स दिए, कॉफी दिए हुए जो कि हम यूज कर चुके हैं, एक इलेक्ट्रिक केटल है और यहाँ पे टेम्परेचर सेट करने के लिए दिया हुआ है, देन ग्लासेस दिए हुए हैं। तो उसके बाद ये हमारे रूम का इंटीरियर है, पूरा इन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट का टच दिया हुआ है और जो कि मुझे मेरा तो फेवरेट है ब्लैक एंड व्हाइट। देन उसके बाद ये रूम आ गया हमारा, जो भी रेडिसन के स्टैंडर्ड्स होते हैं वैसे ही अधूरा, बट हाँ जो रेडिसन के स्टैंडर्ड में जो इन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट का चाहिए मैंने पहली बार देखा है इसमें। उसके बाद फिर ये देखिए मुझे मैंने बोला था मुझे बालकनी वाला देना, हिल व्यू वाले सारे इनके जितने भी कमरे हैं जहाज के हिल व्यू वाले ही हैं, बट बालकनी वाले उन्होंने वो बनाया हुआ, एक बालकनी, एक बिना बालकनी, एक बालकनी, तो बालकनी वाला दिया है जिसमें उन्होंने एक सोफा लगा के दिया है और आप बाहर का देखिए, ये है रात का नाइट व्यू। और अब नाइट व्यू है, मॉर्निंग में जब मैं उठूंगा तो मैं आपको वहां का व्यू भी दिखा दूंगा मॉर्निंग व्यू। और देखिए मेरी वाइफ मेरी थोड़ी हेल्प कर रही है, तो ये हमारा नाइट व्यू आ गया शिमला का, ये पूरा शिमला है, पूरा शिमला के टॉप पे है ये होटल। तो ये था अभी शिमला का रात का, देन मॉर्निंग में मैं अपना व्यू दिखा होटल का बाहर का व्यू दिखा दूंगा मॉर्निंग का, और फिर मॉर्निंग में हम अपना बता देंगे आगे मॉल रोड में हमने जाना फिर से, तो मॉर्निंग में आपको मॉल रोड का बॉडी स्ट्रीट का एक्सपीरियंस शेयर कर देंगे, नाइट का तो मैंने आपको कर ही दिया हुआ है, देन फिर उसके बाद हम ये ब्लॉग को एंड करेंगे। बट यू डिडंट मेंशन दैट टेबल, हां टेबल विद वर्किंग टेबल, खासकर हम जैसे आईटी कंसल्टेंट्स के लिए ऊपर एक लैंप दिया हो प्रॉपर आप काम कर सकते हैं, और आपको स्विच भी वैसे ही दी है जैसे ऑफिस की तरह जिसमें आराम से आप काम कर सकते हैं। एग्जैक्टली, तो ये था रूम मेरे को रेडिसन का। व्हाट अबाउट द कर्टन्स, आगे करके दिखाइए। नहीं कर्टन तो सब जगह वो, बट एक अच्छा एक आपको एक लुक आएगा ना कर्टन्स, अच्छा दिया वाइट के साथ एक छोटा ग्रेज दे दिया है तो ये भी मुझे अच्छा लगा। या सो दिस इज सब फेवरेट कलर यूज में है वो है, और एक और टीवी दिया, वो टीवी हमारे एलजी का दिया इन्होंने।